हमारे चैनल को YouTube पे सर्च करने के लिए टाइप कीजिए #moremarks और अपने डाउट्स हमें शेयर करने के लिए मेल कीजिए doubtformoremarks@gmail.com पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.moremarks.in पर फ्री लॉगिन करके डिस्कशन सेशन में आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। आज मैं हेमंत शर्मा आपके लिए डाउट सॉल्विंग के सेशन में टाइम एंड डिस्टेंस के दो क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इनका लेवल बहुत ही अच्छा है, परंतु स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहली, कई स्टूडेंट्स का मेरे पास में मैसेज आ रहा है कि हमारा चैनल सर्च करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बता दूं आप #moremarks डाल के सर्च कर सकते हैं, बहुत इजीली चैनल आपको दिख जाएगा। दूसरी चीज ये आ रही है कि बच्चे डाउट शेयर करने में अभी भी अनकंफर्टेबल नहीं है। मैं आपको वापस बता दूं, मैंने एक वीडियो स्पेशली इसके लिए बनाया था कि ये चैनल किस तरह से काम करेगा। दूसरी चीज, अगर आपको फिर भी इस वीडियो में जानना है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। पहला, आप हमें डाउट मेरे मेल ID doubt4moremarks@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप हमारी वेबसाइट www.moremarks.in, ध्यान रखिएगा .com नहीं है .in, पर जाकर के डिस्कशन मोड में, एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद डिस्कशन मोड में जाकर के आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, चाहे तो टाइप कर सकते हैं, चाहे तो फोटो सेंड कर सकते हैं, या किसी भी फाइल के फॉर्मेट में आप मुझे सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी है, ये डिफिकल्ट भी है, ये मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन अप्रोचेज अ टनल AB, इनसाइड द टनल कैट इज लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट इज 5/12 द डिस्टेंस ऑफ AB मेजर फ्रॉम द एंट्रेंस। देखिए, जितना बोला उसको उतना समझ लेते हैं। इसने का एक टनल है, ठीक है, एक टनल है जिसका नाम हम AB यहां पे दे रहे हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है AB एक टनल है। ठीक, एक ट्रेन है जो यहां से इसको अप्रोच कर रही है। अब उस ट्रेन की लेंथ वेंथ के बारे में यहां पे कोई सवाल नहीं है, तो हम लोग लेंथ के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। हमने सिर्फ ये मान लिया कि ये एक ट्रेन है और ये एक टनल है। ठीक, अब क्या है, इसने ये भी कहा अ कैट इज लोकेटेड एट अ पॉइंट 5/12 द डिस्टेंस ऑफ AB मेजर। देखिए, AB जो टनल की लेंथ है, ठीक है ना, AB जो टनल की लेंथ है उसका 5/12, तो हमने क्या किया, देखिए हमें कुछ भी डेटा इस तरह का गिवन नहीं है लेंथ के बारे में। देखिए, अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा हो कि सब जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लें, समझ लें, फिर मेरी बात को सुनना शुरू करें। ठीक, अब देखें, अगर टनल की लेंथ को अगर हम 12 अज्यूम कर लें कि 12 मीटर की लेंथ है, तो 12 मीटर की लेंथ अगर हमने अज्यूम किया, देखिए दी हुई नहीं है, तो 5/12 पार्ट यानी कि 12 का पांचवा भाग। ठीक, अगर ये 12 है तो 5 पार्ट कहीं ना कहीं यहां अप्रोक्स होना चाहिए, तो ये कैट की पोजीशन है। तो आप देखेंगे ये जो पार्ट है अगर 5 है तो ये पार्ट कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, यहां तक चीज समझ में आ रही है। अब उसने कहा कैट की पोजीशन क्या है, इस तरह से है। आगे देखें, उसने कहा व्हेन अ ट्रेन विशेस द कैट रन, ठीक, इफ द कैट डिसाइड टू रन टुवर्ड्स ए साइड द ट्रेन कैचेस द ट्रेन एग्जैक्टली एट पॉइंट ए। देखिए, उसने कहा था कि जो कैट की पोजीशन है टनल की लेंथ का 5/12 पार्ट है फ्रॉम द एंट्रेंस। तो देखिए, एंट्रेंस, ट्रेन का एंट्रेंस ये है, यहां से 5/12 भाग 5/12 पार्ट क्या है ट्रेन की लेंथ का, वो पोजीशन है जिस पे कैट बैठी हुई है। अब उसने कहा कि ट्रेन अगर विजिल करती है, जैसे वो अपने हॉर्न बजाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, कैट रन करना शुरू करती है, भागना शुरू करती है। अब उसके पास पहली चॉइस क्या बताई, अगर वो साइड ए की तरफ भागती है, जैसे उसने कहा व्हेन द ट्रेन विजिल्स द कैट रन, इफ द ट्रेन डिसाइड्स टू रन टुवर्ड्स ए साइड ऑफ द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट ए, यानी कि अगर वो ए साइड की तरफ भागना शुरू करती है तो ट्रेन उसको यहां, ठीक है ना, पकड़ लेगी। आगे इसने क्या कहा, इफ द ट्रेन डिसाइडेड टू रन टुवर्ड साइड बी, अगर वो बी साइड की तरफ बढ़ना शुरू करती है तो जो ट्रेन है उसको कहां कहां कैच करेगी, वो कैच करेगी द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो उसको क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट। ठीक है, ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड का रेशियो आपको डिसाइड करना है। देखिए, ये तो क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बट इसके पीछे के कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें
तो देखिए कॉन्सेप्ट इसका जो है वो क्या है, पहले इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, अगर टाइम कांस्टेंट हो, टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है व्हेन द टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है ना, टाइम इज कांस्टेंट एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब स्पीड का रेशियो किसके, डिस्टेंस के रेशियो में होता है। और मेरे ख्याल से ये चीज आपको अच्छे से पता है, लेकिन ये यहां कैसे यूज आ रही है वो समझिएगा। जब दो केसेस हैं यहां पे, पहला केस अगर वो साइड ए की तरफ बढ़ती है, दूसरा केस अगर वो साइड बी की तरफ बढ़ती है। देखें अगर वो साइड ए की तरफ बढ़ती है, ठीक, तो उस केस में जब वो यहां मिलेंगे, ठीक है ना, जब वो यहां मिलेंगे तो उनका टाइम कांस्टेंट होगा। देखिए ट्रेन जो पॉइंट ए है, टनल का पॉइंट ए है, जो एंट्रेंस है उससे मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस रखती है। अगर वो एक्स डिस्टेंस रखती है, ठीक, अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो जितने टाइम में ट्रेन एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है उतने ही टाइम में कैट क्या होगा, फाइव डिस्टेंस, जो कि एक अज्यूम्ड वैल्यू है, फाइव डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक, यहां तक बात समझ पा रही है। तो टाइम कांस्टेंट है, जितने टाइम में कैट यहां से पॉइंट ए पर आएगी उतने ही टाइम में ट्रेन इस पॉइंट से पॉइंट ए पर आएगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो में और स्पीड के रेशियो में होगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैट किसके इक्वल आएगा, देखिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया x, उतने ही टाइम में कैट ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5। ये हो गया केस वन। अब देखिए थ्रू आउट डिस्टेंस, थ्रू आउट ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब यह है कि सेकेंड केस पे जब हम जाते हैं, सेकेंड केस पर जाने का मतलब है स्पीड का रेशियो तो वही रहेगा, सिर्फ डिस्टेंस बदलेगा, लेकिन डिस्टेंस बदलने के बाद में भी रेशियो वही रखेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो में, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। एग्री? अब आप देखेंगे साइड, अगर साइड बी पे अगर वो मिलते हैं, सेकेंड केस क्या है, साइड बी पे अगर वो मिलते हैं, अगर साइड बी पे मिलते हैं तो ट्रेन को एक्स प्लस 12, क्योंकि टनल की लेंथ कितनी है 12, तो x प्लस 12 डिस्टेंस कवर करना होगा। तो x प्लस 12 डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैट को कितना कवर करना पड़ेगा। तो देखेंगे कैट ने इस पॉइंट से b पॉइंट का डिस्टेंस कवर किया जो कि 7 यूनिट है। अब अगर 7 लेते हैं तो आप देखेंगे ये जो रेशियो आएगा उसके पहले वाले रेशियो केस 1 के रेशियो के इक्वल होगा। जैसे हम इसको इक्वल करते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा 7x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 60 आ जाएगा। अब जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू कितना आ जाती है 30 आ जाती है। जैसे x की वैल्यू 30 आती है आप देखेंगे स्पीड का रेशियो आप निकाल सकते हैं 30/50, ठीक है ना, ये कितना आ गया, x की वैल्यू 30 है 30/5, x की वैल्यू 30 है बाय 5, तो 30/5 कितना हो जाएगा 6:1। तो आप देखेंगे स्पीड का रेशियो हमारे पास में कितना आ गया 6:1। देखिए ये इसका काफी लेंथी मेथड है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन देखिए इसका शॉर्टकट एक और है उस पर बात करते हैं। देखिए हमें अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि इस कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है तो हमें सिर्फ ये देखना है केस वन से केस टू में, मतलब इतना इक्वेशन बनाने की जरूरत भी नहीं है, इस चीज को हम स्किप कर सकते हैं। कैसे स्किप कर सकते हैं ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि जो रेशियो है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है ना, अगर रेशियो अगर इक्वल है जिसको हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं, अगर हम इसको ऐड कर दें न्यूमिनेटर को तो ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी आएगा, रेशियो क्या रहेगा वही रहेगा, इक्वल रहेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं एक्स प्लस 5 यहां पर है, यहां पे एक्स प्लस 12 अपॉन 7 है, तो अगर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको 5+2 कर दें तो आप देखेंगे एक्स बाय 5 का रेशियो इक्वल होना चाहिए 12/2 के, बात समझ में आ रही है, 12/2 के इक्वल होना चाहिए, और 12/2 का रेशियो 6:1 होता है। ठीक, आप इसको इसको आगे ना बढ़ा करके इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई तो आप देखेंगे इसी चीज का यहां पे एग्जीक्यूशन डायरेक्टली कैसे किया जा सकता है। अगर हम इस चीज को डायरेक्टली यहां पे एग्जीक्यूट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि केस वन से केस टू में डिस्टेंस कितना बढ़ा, कैट को कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। अगर देखें, अगर कैट साइड ए के बजाय बी पर बढ़ रही है तो उसको 2 मीटर का डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ रहा है। ये देखिए 12 मीटर ये मेरा अज्यूम वैल्यू है क्योंकि हमें तो रेशियो निकालना है, एक्चुअल वैल्यू तो निकालनी नहीं है, और जब भी हमें रेशियो या परसेंटेज इस तरह की वैल्यूज निकालनी होती है अज्यूम वैल्यू लेकर के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब देखिए डिस्टेंस कितना बड़ा, कैट का डिस्टेंस बड़ा है 2, ठीक। वही आप देखेंगे जो ट्रेन है, ट्रेन अगर ए पॉइंट के बजाय बी पॉइंट पे मिल रही तो उसका डिस्टेंस कितना बड़ा, 12 मीटर का डिस्टेंस उसका बढ़ गया। इसका मतलब ट्रेन को एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 12। कैट को कितना करना पड़ रहा है, 2। तो रेशियो कितना आया, 6:1। तो डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया होगा इन्होंने वो अपनी स्पीड से कवर किया होगा और वो रेशियो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, पहली चीज तो मैं यही कहूंगा आप इस वीडियो को दोबारा देखें, खुद सॉल्व करके देखें क्वेश्चन को, सॉल्यूशन समझें, तब तक सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको फिर वापस बता दूंगा, या कोई और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगर मेरे पास हो सकता है तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, उसमें बस थोड़ा सा डेटा चेंज करके इसको बनाया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए इस टाइप पर। देखिए अ ट्रेन अप्रोचेस द टनल ए बी, इनसाइड द टनल अ कैट इज लोकेटेड एट अ पॉइंट 4/7 द डिस्टेंस ए बी मेजर फ्रॉम द एंट्रेंस, ठीक है। व्हेन द ट्रेन विसेस द कैट रन्स, इफ द कैट डिसाइड्स टू रन टुवर्ड्स ए साइड द ट्रेन कैचेस द ट्रेन एट एग्जैक्टली एट ए, इफ द ट्रेन डिसाइड्स टू रन टुवर्ड्स बी साइड द ट्रेन कैचेस द कैट द आउटसाइड द टनल एंड द एंड दैट पॉइंट इज लोकेटेड 5/7 डिस्टेंस ऑफ द टनल लेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट। देखिए पिछले जैसे क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन है वैसा ही है, बस इसमें चेंज क्या है, जो ट्रेन और टनल के बीच का डिस्टेंस था जिसको हमने एक्स अज्यूम किया है पिछले क्वेश्चन में, वैसे यहां पे एक्स ले रहे हैं। कैट की पोजीशन यहां पे 4/7 दी हुई है, तो जो ए बी टनल है उसकी लेंथ को अगर हम 7 मान लें तो आप देखेंगे एंट्रेंस से 4/7 डिस्टेंस दी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये यहां होनी चाहिए कैट की पोजीशन, और कैट की पोजीशन यहां है तो ये 4 डिस्टेंस आएगा और ये 3 डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ वैसा ही है पिछले क्वेश्चन जैसा, बस फर्क क्या आया, ये साइड ए पर मिलते हैं पहला केस था और दूसरा केस था साइड बी पर मिलते हैं। यहां पे दूसरे केस को चेंज करके कहा गया कि दूसरे केस में ये टनल के बाहर, टनल के बाहर आप देख सकते हैं टनल के बाहर कितना डिस्टेंस, 5/7। अगर आप देखेंगे 7 हमने टनल की लेंथ को लिया है तो 5, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये 7 है तो ये 5 डिस्टेंस पर आउटसाइड क्या हो रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंट आएगा जिस पर ये कैट और आपके ट्रेन जो है वो मिलेंगे। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा ही चेंज है कि ए पॉइंट पर मिलने वाला पॉइंट तो यहां तक सेम है, बी पॉइंट पे ना मिलके अगर वो 5 मीटर बाहर मिलते हैं तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा। देखिए बड़ा आसानी से हम ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ कैट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस व्हेन द टाइम इज कांस्टेंट। तो देखेंगे जब वो ए पॉइंट पे मिलते हैं तो टाइम कांस्टेंट है, जितने टाइम में ट्रेन इस पॉइंट से ए पॉइंट पर आएगी उतने ही टाइम में कैट इस पॉइंट से ए पॉइंट पर आएगी। तो आप देख सकते हैं x बाय 4 इज इक्वल्स टू, दूसरा केस जो है वो आप देखेंगे x प्लस 7 प्लस 5 ये ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी, x प्लस 7 प्लस 5 तो x प्लस 12 हो गया, तो आप देखेंगे x प्लस 12 का डिस्टेंस किसने कवर किया है, ट्रेन ने। जो कैट है, कैट कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 3 प्लस 5 8, तो 8 का डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है सेकंड केस में। अगर आप इसको सॉल्व करके कैलकुलेट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स के लिए निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, बट ठीक है पिछला ही क्वेश्चन जो है उसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप देखेंगे ट्रेन ने एक्स्ट्रा यहां जो डिस्टेंस कवर करती उसके बजाय उसने 8 का डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है, ठीक है, सॉरी 12 का डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया, 8 नहीं 12, 7 प्लस 5 12 का डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है। और जो कैट है, कैट ने पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करती, 4, लेकिन उसने अब कितना किया है, 8, तो 4 के बजाय 8, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 4 एक्स्ट्रा कवर किया है। इसका मतलब रेशियो कितना आएगा, 3:1, बहुत इजीली। अगर आप इसको यहां से भी स्प्लिट करना चाहें एक्स बाय 4 प्लस, तो ये 12 आ जाएगा और ये कितना 4 आएगा, तो 12/4, इसका कॉन्सेप्ट बताया था सेम रेशियो में सेम रेशियो ऐड होता है तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे 12:4 जो है वो 3:1 को बता रहा है, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा,
3:1। आई होप आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। ऐसे वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा और आज इतना ही है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स में इसको सर्कुलेट करें। बने रहे हमारे साथ में, हम क्वेश्चन का लेवल कॉन्सेप्ट सभी चीजें मेंटेन करते हुए चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने पर मैं आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेकर आऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।